आज के इस एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर एरर क्या होते हैं और एरर कितने प्रकार के होते हैं। तो जब भी हम लोग एक्सेल में एंट्री करते हैं कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है, कभी फार्मूले का एरर, कभी किस चीज़ का एरर, लेकिन हमको हमारा रिजल्ट नहीं प्राप्त होता। और कंप्यूटर एक्सेल के अंदर कुल कितने प्रकार के एरर होते हैं? दोस्तों, एक्सेल के अंदर कुल 6 प्रकार के एरर होते हैं, जैसे कि हैज नेम एरर, डिवीजन एरर, रेफरेंस एरर, हैज नेम एरर, इस प्रकार से 6 प्रकार के एरर होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 6 प्रकार के एरर के बारे में जानेंगे और कैसे एरर आता है और कैसे एरर का सोल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने लैपटॉप पे और देखते हैं। सबसे पहले एरर की हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस भी सेल में एरर जो शो कर रहा है वह शो कर रहा हैज एरर। अगर अब इस प्रकार से हैज एरर आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैज एरर। इसको बस करना कुछ नहीं है, इसकी सेल की साइज आप बढ़ा दीजिए और ये हमारा एरर सही हो जाएगा। चलिए दूसरे एरर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे एरर में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यह डिवीजन एरर दिखा रहा है और यह एरर आता कैसे है, तो चलिए हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे हम भाग दे देते हैं। 200 में भाग का निशान, फिर इस पर क्लिक करेंगे ब्लैंक सेल पे और जैसे इंटर करेंगे यह डिवीजन एरर आएगा। अब इसका सही करने का तरीका यह है कि यहाँ पे आप किसी भी संख्या से जो भी भाग लेना चाहते हैं उससे भाग दे देंगे तो यह एरर सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं तीसरे एरर की तरफ। और तीसरा एरर यह है आपको हैज नेम एरर इस प्रकार से कुछ देगा। तो सबसे पहले इस एरर को जान लेते हैं, यह एरर आता कैसे है। तो दोस्तों चलिए हम इस एरर को, यहाँ पर है हमारे पास दो ऑप्शन है, हम क्या काम करते हैं, इक्वल टू सम फार्मूला से क्या काम करते हैं, जोड़ देते हैं। इक्वल टू सम लगाते हैं और कोष्टक लगाने के बाद हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और कोष्टक बंद करने के बाद इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे इंटर प्रेस किया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सही आ रहा है, लेकिन हमें काम करते हैं यहाँ पे जो फार्मूला लगा हुआ है सम फार्मूला, सम की जगह हम कुछ दूसरा टाइप कर देते हैं, सपोज करिए सन, और जैसे इंटर मारेंगे तो हैज नेम इधर आएगा। इसके अलावा भी हमको पता है कि जोड़ने के और तरीके होते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इस सेल पर, फिर इस क्लिक करने के बाद इस पर। अब यही A3 की जगह आप ABCD कुछ भी AB कर दीजिए, तब भी हैज नेम इधर आएगा। अब सही करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम इसकी जगह A3 कर देंगे, जो भी रहेगा या फार्मूला हमारा जो गलत है उसकी जगह हम फार्मूले को सही कर देते हैं और हमारा रिजल्ट जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे एरर की तरफ। चौथा एरर आपको यहाँ पे हैज रेफरेंस एरर आ रहा है। चलिए हम रेफरेंस एरर पहले जान लेते हैं आता कैसे है। चलिए जैसे मान लीजिए मैंने कुछ संख्या लिखी हुई है और इसको हम जोड़ देते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फिर ऐसे सब पे क्लिक कर लेते हैं और इंटर मार देते हैं, तभी हमारा सही है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो हमारी एंट्री हुई है इसको हम कर देते हैं डिलीट। पांचवें एरर की बात कर लेते हैं। पांचवें एरर में आप यहाँ पे देख रहे हैं हैज वैल्यू एरर आ रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है 20 एक्सेल में एंट्री हुई, एक्सेल में 30 और यहाँ पे ABC। अगर इस तरह से कोई एंट्री हुई होती है तो वह इस प्रकार से दिखाता है। चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, किसी में 20 लिख लेता हूँ, किसी में 30 और ABC। अब हम इसको जब भी जोड़ेंगे तो इस सेल पर क्लिक करने के बाद फिर इस सेल पर और इस पर, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू हैज वैल्यू देगा। इसका सबसे अच्छा ये है कि इसके अंदर हम कोई एंट्री कर देते हैं तो हमारा ये रिजल्ट सही आ जाएगा। चलिए अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने सम किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, और फिर भी इसका एरर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ ये एरर आता कैसे है। मैं यहाँ कुछ टाइप कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे फिर से हम ऐड कर लेते हैं। तो पहले सेल पे क्लिक करने के बाद दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरे सेल पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस लगाने के बाद जिस सेल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा 4th रो है और सी कॉलम, तो हम यहाँ पे C4 टाइप कर देंगे और जैसे ही इंटर मारेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा।